आज है मंडे और दोपहर के बज रहे हैं 3। और अभी मुझे अपनी कार में कुछ काम कराना है। एक्चुअली क्या कि सुबह ही सुबह मैं आज ओली से आया था, और ओली जाने से पहले राकिब ने भी कार में काम कराया था, और मैं भी ब्रेक जो इशू था, एक बहुत ही वियर्ड सी आवाज़ आ रही है ब्रेक से, वो मैं सही करा के गया था, लेकिन शायद वो सही से ठीक नहीं हो पाया। सो अभी भी गाड़ी में काफ़ी दिक्कतें हैं, तो सबसे पहले कार को वॉश कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं कार की तरफ और उसको सही कराते हैं। तो अभी चलते हैं ओखला और वहाँ जाके गाड़ी सही कराएंगे। तो यहाँ से है 5 मिनट्स का ड्राइव गैराज का, जहाँ पे कार वॉश कराऊंगा, और साथ में आपके ये सीट भी काफ़ी अनोइंग है, लेकिन सेफ्टी परस्पेक्टिव से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी में ये बीप है तो आप भूल कर भी भूल नहीं पाते हो सीट बेल्ट लगाना। तो ये तो बात हो गई सेफ्टी की, अब सबसे पहले कराएंगे गाड़ी को वॉश, और 5 मिनट्स का ड्राइव है तो आपको दिखाता हूँ सामने रोड। तो यहाँ मैं रहता हूँ, ये है ओखला का शाहीन बाग, और ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। अब देखो आप, दोपहर के 3 बजे भी इतनी भीड़, मतलब पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मेरे सामने है कार वॉशिंग सेंटर, यहाँ पे गाड़ी को धुलवाऊँगा और उसके बाद फिर चलेंगे ब्रेक सही कराने। तो गाड़ी में अंदर बाहर दोनों तरफ से क्लीनिंग करा रहा हूँ, तो कॉस्ट है जो चार्ज है वो 300 रुपीज़ है। चलिए देखते हैं गाड़ी धुलने के बाद कैसी लगती है। गाड़ी हो गई क्लीन बिल्कुल, अभी मैंने वॉश भी करा लिया और रबिंग वगैरह भी करा लिया है, अंदर बाहर दोनों से कराया है। तो जो चार्जेस है वो है 300। तो गाड़ी हो गई क्लीन, तो हम भी थोड़ा स्मार्ट बन जाए। ये है मेरा फेवरेट ऑफ फेवरेट गॉगल्स, ये मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, इसलिए कि आप ये दिन में भी लगा सकते हो और रात में भी, और ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं लगता। आप अगर नॉर्मल भी शर्ट्स में या नॉर्मल लोअर में भी घूम रहे हो तो ये लगा सकते हो। बाकी जो ब्लैक शेड्स होते हैं या कोई भी कलरफुल, वो मतलब अगर आप नॉर्मल ऐसे लगा के चलोगे घर के आसपास तो थोड़ा ओवर लगता है, और ये बहुत ही डिसेंट सा है, बहुत कूल है। तो ये तो बात हो गई मेरे गॉगल्स की, अब जो मेन काम है वो है मेरी गाड़ी के ब्रेक सही कराने हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत वियर्ड सी आवाज़ आती है गाड़ी से। सो अभी मैं जा रहा हूँ एशियन मोटर्स, जो कि तंजीम भाई का वर्कशॉप, और ये है कालिंदी, उनसे राइट लेते हुए जो जैतपुर जाने का रास्ता है वहीं पे है, तो वहीं मैं अपने ब्रेक्स वगैरह जो भी है सही करा लेता हूँ और फिर चलेंगे घर। सो यहाँ से 500 मीटर जाने के बाद मुझे लेना है राइट, और राइट लेते ही मैं जैतपुर वाले रास्ते पर आ जाऊँगा। वहाँ से 1.5 किलोमीटर मुझे ड्राइव करके जाना है एशियन मोटर्स, जहाँ पर ब्रेक्स वगैरह सही होंगे। तो मेरे सामने है एशियन मोटर्स, और अभी जा रहा हूँ मैं अंदर, देखते हैं सद्दाम जो मैकेनिक है वो है या नहीं, उनसे ही काम कराता हूँ मैं ज़्यादातर। तो ये है मैकेनिक सद्दाम, अभी ये ट्रायल लेने जा रहे हैं गाड़ी की, देखते हैं ब्रेक में क्या इशू है। ब्रेक से आवाज़ तो आ रही है, बट मुझे लगता है कि ब्रेक पैड या शू पैड इसका चेंज करना होगा। अभी रिसेंटली चेंज करा था जब हम मनाली गए थे, नहीं नैनीताल, तो पहाड़ से उतरते ही बहुत ब्रेक फेल हो गया इसका, तो राकेब और मैंने चेंज कराया था इसका ब्रेक शू वगैरह। सो यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिस्क पैड बहुत जल्दी घिस जाता है। तो अभी भैया बता रहे हैं कि इसमें डिस्क टर्निंग करानी पड़ेगी, जिससे फेस है बहुत क्लीन हो जाएगा, तो डिस्क पैड की लाइफ भी ज़्यादा होती है इससे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और फिर मैं आऊँगा 7 से 8 बजे के आसपास, फिर गाड़ी को मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। तो अभी आमिर की कॉल आई थी कि गाड़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो चलते हैं अभी बाइक से और गाड़ी वहाँ से जाके लूँगा, फिर वापस आएंगे घर पर। तो गाड़ी तैयार है, बाहर खड़ी है गाड़ी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें डिस्क का काम हुआ है प्लस टर्निंग का, टर्निंग वो चीज़ है जो डिस्क के ऊपर लगाते हैं, उस पर थोड़ा सा लाइंस वगैरह बनी हुई थी जिससे डिस्क पैड बहुत जल्दी घिस रहा था, अभी वो भी चेंज करा दिया है। और सामने खड़ी है गाड़ी, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ दिख नहीं रहा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सामने गाड़ी है, गाड़ी तैयार है, गाड़ी का जो बिल है वो 1800 के आसपास आया है, क्योंकि इसमें डिस्क पैड चेंज हुआ पूरा प्लस टर्निंग में काम हुआ, टर्निंग वो प्लेट है जहाँ पे डिस्क लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं गाड़ी चलने के बाद कैसी चलती है। अब गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है पहले से, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी शायद आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, तो घर चलते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सी यू।